16 अगस्त 2024 से सावन महीने की पुत्रदा एकादशी पर पूरे 100 सालों के बाद बन रहे हैं 3 ऐसे दिव्य और दुर्लभ महासंयोग। 3 राशियों पर होगी साक्षात माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है। मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने, नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। सावन महीने की पुत्रदा एकादशी के बाद से ही 3 राशियां करोड़पति बनने वाली है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से 3 राशि वाले लोगों का भाग्य उदय होने जा रहा है। और हाँ मित्रों, 5 ऐसे कार्य है जो कि आपको एकादशी वाले दिन भूल कर भी नहीं करने चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट भी हो सकती है। तो चलिए सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में चर्चा करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, हिंदू सनातन धर्म के अनुसार एक साल में कुल 24 एकादशी आती है, जिसमें 12 शुक्ल पक्ष की एकादशी और 12 ही कृष्ण पक्ष की एकादशी रहती है। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्रावण पुत्रदा एकादशी या श्रावणी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार श्रावण एकादशी वाले दिन त्रिग्रह योग, लक्ष्मी नारायण योग, नव पंचम योग और महालक्ष्मी राजयोग बनने से इस एकादशी का जो महत्व है वो कई गुना तक बढ़ चुका है। तो चलिए जान लेते हैं एकादशी के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर घूमती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता जैसे प्लास्टिक, थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल, दोने, डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी इनके पेट में जमा हो जाता है। और कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं ये दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा इस बार एक महासंकल्प लिया गया है कि 16 अगस्त यानी कि सावन महीने की पवित्र एकादशी वाले दिन एक हरे चारे का ट्रैक्टर मंगाया जाएगा और उसे जगह जगह घुमाकर जहां कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है वहां पर ट्रैक्टर को घुमा घुमा कर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। कम से कम एक साल में एक दिन तो ऐसा हो जिस दिन कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों, हमारे इस महासंकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर QR देख पा रहे है ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपने श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101, 501 या 1100 रूपए, जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो, वो आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिए। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी 1, 2, 5, 10 या 50 गौ माता को एकादशी वाले दिन भरपेट भोजन करा सकता है, उनको हरा चारा दिला सकता है। और बदले में जो आपको साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी जी और भगवान कुबेर देव का जो आशीर्वाद मिलेगा, वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लूट कर आएगा और यही कटू सकती है। चलिए बात कर लेते हैं श्रावण महीने की पुत्रदा एकादशी के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला ली लू ले लो ऐ चू चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। मेष राशि वाले लोगों के लिए 16 अगस्त के बाद से ही पूरा अगस्त और सितंबर का महीना आप लोगों के लिए भाग्यशाली साबित होगा। एक तो आपके ऊपर साक्षात माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की कृपा बरसेगी। आपके लंबे समय से जो कोई भी अटके हुए या रुके हुए कार्य थे उनको पूरा होने की प्रबल संभावना बन रही है। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपको अपनी किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। आर्थिक रूप से धन की तरक्की प्राप्त होगी और धन कमाने के कई नए नए मौके भी मिलेंगे। जो व्यक्ति नौकरी करते हैं या कहीं पर भी जॉब वगैरह करते हैं तो नौकरी में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी। आने वाले महीनों में आपकी तनख्वाह भी बढ़ सकती है और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपके जो संबंध है वो काफी अच्छे और मधुर बनेंगे। व्यापारी वर्ग के लोगों को भी व्यापार में पूरे महीने शानदार मुनाफा दिखाई दे रहा है। आने वाले 3-4 महीनों में आपका जो पुराना कोई भी ओल्ड स्टॉक है उसे आप निकाल पाएंगे और व्यापार में आप लोगों के लिए दिन दुगुनी रात चौगुनी गति से तरक्की मिलने का संकेत बन रहा है। और साथ ही
संतान की तरफ से भी आपको उन्नति का समाचार प्राप्त होगा। जो भी नव विवाहित दंपति है या जो निसंतान है, संतान में अगर कोई भी दिक्कत या बाधा आ रही थी तो आपको माता या पिता बनने का सुख मिल सकता है। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में अपन यह भी जानेंगे कि आखिर पुत्रदा एकादशी पर माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। सभी जानकारी जानते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी जरूर लिखेगा। चलिए, पुत्रदा एकादशी के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मीन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर दी दू थै जय दे दो चा और ची से शुरू होता है, उनकी मीन राशि होती है। मीन राशि वाले लोगों के लिए भी सावन की इस पुत्रदा एकादशी के बाद समय आपके लिए सफलता दिलाने वाला साबित होगा। एक तो आपको अपने पिता या बड़े अधिकारियों के सहयोग से सरकारी नौकरी से जुड़े शुभ समाचार आपको मिल सकते हैं, या आप सरकारी कॉन्ट्रैक्टर है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को लेने के लिए निविदा में आपने अप्लाई कर रखा है तो उसमें आपको खुशियाँ मिल सकती है। शिक्षा और प्रतियोगिता से जुड़े लोगों के लिए तो सितंबर और अक्टूबर का महीना काफी अच्छी खबर लेकर आएगा। जो लोग अपना स्वयं का मकान बनाने को लेकर संघर्ष कर रहे थे, लंबे समय से आप सोच रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे कि मेरा खुद का प्लॉट हो, मेरा खुद का मकान हो, तो आपकी ये इच्छा भी अगले 6-7 महीनों में पूर्ण होने वाली है। महालक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपको धन कमाने के कई सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे। घर में सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में आपको सफलता मिलने वाली है, या कोर्ट कचहरी से जुड़ा कोई भी मुकदमा वाद विवाद चल रहा है तो वो भी आपके फेवर में आ सकता है। चलिए जान लेते हैं पुत्रदा एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नव ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, कब आपके जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होगी, आपके लिए भाग्यशाली रत्न या रुद्राक्ष कौन सा है, उसको धारण करने की विधि क्या है, सरकारी नौकरी का योग कब तक रहेगा, कब आपको जीवन में सफलता हासिल होगी, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे, आपके बनते बनते कार्य लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों के बारे में कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाकर यह जानना चाहते हैं कि विवाह के बाद का समय कैसा रहेगा, तो अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं पुत्रदा एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये यो भा भी भू ध फ ढ और भे से शुरू होता है, उनकी धनु राशि होती है। धनु राशि वाले लोगों के लिए भी 16 अगस्त के बाद से ही सितंबर अक्टूबर तक का जो महीना है यह आप लोगों के लिए शुभ और अच्छा बीतने वाला है। भगवान श्री विष्णु जी की आपको विशेष रूप से कृपा मिलेगी जिससे आपके सभी कार्य में तेजी आएगी, लगभग आपको हर कार्य में सफलता भी प्राप्त होगी। पुराना अगर कहीं पर भी फंसा हुआ या अटका हुआ पैसा है तो वो फिर से मिलेगा। नौकरी करने वाले लोगों के लिए यह महीना किसी वरदान से कम नहीं होने वाला है। इनकम के नए नए स्रोत नए नए माध्यम बनेंगे। आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें भी आपकी मजबूती आएगी।
जाएगी। आपको अपने जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होने वाली है और साथ ही संतान की तरफ से विशेष रूप से आपके खुशखबरी मिलने के योग है। अगर आपको संतान में दिक्कत हो रही है तो आप माता पिता बनने का सुख हासिल कर सकते हैं। बाकी आपको संतान की तरक्की, उन्नति, प्रमोशन से जुड़ी कोई भी अच्छी या बड़ी शुभ सूचना जो है यहाँ पर इंतजार कर रही है। चलिए जान लेते हैं पुत्रदा एकादशी के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कन्या राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर टो पा पी पू शैन है, पे और पो से शुरू होता है, उनकी कन्या राशि होती है। कन्या राशि वाले लोगों के लिए भी पुत्रदा एकादशी के बाद का जो समय है यह बहुत ही खास होने वाला है। एक तो आप लोगों पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि पांचों घर में होने वाली है, जिससे आप लोगों की इनकम में जबरदस्त रूप से बंपर बढ़ोतरी होगी। आपको काम कारोबार में लाभ मिलेगा, नौकरी में भी खूब सम्मान मिलने वाला है और साथ ही प्रमोशन मिलने के योग बन रहे हैं। कारोबारी वर्ग के लोगों के लिए अच्छा मुनाफा होने से आपकी धन की बचत में बढ़ोतरी होगी। हर रोज की इनकम तो बढ़ेगी ही, साथ ही आर्थिक स्थिति भी आपकी मजबूत होगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। चलिए अंत में जान लेते हैं पुत्रदा एकादशी वाले दिन धन प्राप्ति और कर्ज से छुटकारा पाने के आसान सा उपाय के बारे में। दोस्तों आपको क्या करना है, अगर आपके धन में कोई भी दिक्कत आ रही है, आप लाख प्रयास करने के बावजूद भी कर्ज से हल्के नहीं हो पा रहे हैं, तो 16 अगस्त यानी कि पुत्रदा एकादशी वाले दिन विधि विधान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करें और इसके बाद एक लाल कपड़े में 5 गोमती चक्र लपेट कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को अर्पित करें और पूजा समाप्त हो जाने के बाद शाम के समय यानी कि संध्या काल में इसे घर में जो धन रखने का स्थान है या तिजोरी है वहां पर इसे रख दीजिए। कहा जाता है कि इससे धन में कभी भी कमी नहीं होती और हर प्रकार के कर्ज से आपको 6 महीने के अंदर अंदर शीघ्रता शीघ्र छुटकारा भी मिलता है। अगला उपाय जानते हैं विवाह में बाधा या दाम्पत्य जीवन में कष्ट दूर करने के उपाय। दोस्तों पुत्रदा एकादशी पर ही भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी जो पूजा है वो गाय के कच्चे दूध में तुलसी और केसर मिलाकर अभिषेक करें। इस उपाय को करने से जगत के पालनहर्ता भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं और आपके विवाह में जो भी बाधा है या दाम्पत्य जीवन पति पत्नी के बीच आपस में कोई भी कष्ट चल रहा है तो वो भी दूर होने लगता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि दोस्तों तुलसी का जो पत्ता है, तुलसी दल है, वो आपको एकादशी के दिन नहीं तोड़ना है, एक दिन पहले ही आप उसे तोड़ कर रख लीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम, फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय महालक्ष्मी, नमः।